रामपुर में आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 17.5 एकड़ चरकोट की जमीन वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर की कोर्ट ने इस मामले में एसडीएम टाणा के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत जमीन विश्वविद्यालय को दी गई थी। वहीं कमिश्नर के निर्देश पर रामपुर के जिलाधिकारी ने इस प्रकरण में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की शुरुआत करते हुए संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया। गांव सुहाग हमारी सिंगन खेड़ा वर्तमान में तहसील सदर जनपद रामपुर जो पूर्व में तहसील टांडा के अंतर्गत थी, इसमें एक मुकदमा डिसाइड किया गया था तत्कालीन एसडीएम के द्वारा 2012 में, और उसकी जो है अपील आयुक्त महोदय के यहाँ की। आयुक्त महोदय ने 2/9/2019 को यानी 2 सितंबर को एक आदेश पारित करके ये सारा दिन में अनियमित होने के नाते जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति की भूमि इसका निर्णय किया गया था अनियमित होने के नाते उसको निरस्त कर दिया गया, और निरस्त करने के उपरांत जो जिलाधिकारी रामपुर को संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने के उत्तरदायी इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब जौहर यूनिवर्सिटी की 17 एकड़ भूमि जो है वापस करने के आदेश दिए गए। फहीम, फहीम आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आपकी पहुंच रही है। मैं बता दूं आपको कि आजम खान इन दिनों बेहद मुश्किल में है अदिति, और मुश्किल उनकी एक तरफा नहीं है, चौतरफा है। प्रशासन और पुलिस की जो वार है वो चौतरफा है। इस टाइम 80 मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज हो चुके हैं, और अगर बात की जाए 17.5 एकड़ जमीन की, तो इसका जो मुकदमा था वो 2 वर्ष से लगभग चल रहा था कमिश्नरी में। 24 जुलाई 2012 को चक्रोट की ये जमीन जौहर यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट ने मांगी थी, जिसमें एसडीएम टांडा ने 13 सितंबर 2012 को ही ये सामुदायिक उपयोग की जो जमीन थी इसको 17.5 एकड़ जमीन को ट्रस्ट को सौंप दिया था आदेश करके। लेकिन कमिश्नरी कोर्ट ने एसडीएम टांडा के आदेश को खारिज करते हुए इस जमीन को वापस करने का आदेश दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं अदिति कि कमिश्नर ने ये भी माना है कि इसमें कर्मचारी और अधिकारियों ने खेल किया है, जिसमें लेखपाल को तो निलंबित किया ही है, छोटी कार्रवाई है, लेकिन इसमें जो एसडीएम और लेबर के अधिकारी हैं उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो इस तरह से जो है इस संबंध में 17 एकड़ जमीन आजम खान की वो निकल रही है इसमें से जो जौहर यूनिवर्सिटी से, जो बहुत ही अहम है और बहुत खास है, क्योंकि जो चक्रोड है इस चक्रोड से होते हुए ही सारे ये रास्ते से होते हुए ही बाहर तक आना है, और उसी गेट के ऊपर वो फिर विवाद बनता है जिसमें अभी कोर्ट से स्टे चल रहा है। तो ये जो जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं ये जो बहुत ज्यादा घने हो गए हैं, ऐसे में ये भी एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव आजम खान के पक्ष में खड़े हो गए हैं, और उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो आजम खान के पक्ष में आंदोलन करें, और अगर इनके साथ ज्यादती होती है, इनके साथ कुछ गलत होता है, तो भरपूर आंदोलन करें, और जैसा भी मामला हो, जैसा भी टकराना हो, वो पूरी तरह से भरपूर तरीके से पुलिस प्रशासन से टकराएं और सरकार को दिखाएं कि अब हम बहुत ज्यादा दिनों तक आजम खान के खिलाफ जो ज्यादतियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी अदिति, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फहीम।